नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं मेरे साथ स्ट्रेट टॉक और मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान गीत उदय सैनी। दोस्तों, दिल्ली हिंसा, वक्त 2 हफ्ते से ऊपर का हो चला है लेकिन जख्म अभी भी हरे हैं, अभी भी ताजा हैं। इस पूरी दिल्ली हिंसा में हमने 47 लोगों को खो दिया, बीच में एक आईबी का अधिकारी अंकित शर्मा और उसके बाद एक हेड कांस्टेबल रतन लाल। दिल्ली दंगों के दौरान कैसे हेड कांस्टेबल रतन लाल शहीद हुए, कैसे डीसीपी अमित शर्मा को भी जान से मारने की कोशिश की गई, कैसे बाकी पुलिसकर्मियों की मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई और कैसे 47 लोगों की जान इस पूरी दिल्ली हिंसा में चली, ये सवाल अभी भी अपनी जगह पर कायम है। एसआईटी बिठाई गई है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, लेकिन इसके बीचों बीच तमाम ऐसे वीडियोज भी निकल कर सामने आते हैं जो कभी भी इस दिल्ली की हुई हिंसा का रुख मोड़ देते हैं, कहीं इसे अलग दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं। अभी हाल ही में दिल्ली हिंसा से जुड़ा हुआ एक और वीडियो सामने आया है जो तमाम बड़े सवाल खड़े करता है। अगर आप गौर करें तो पूरी दिल्ली हिंसा से पहले भी जितने भी ऐसे वायलेंट हमें पूरे तस्वीरें देखने को मिली हैं, मामला चाहे वो जेएनयू का हो, मामला चाहे वो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा का क्यों ना हो, इन सब पर हमने दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए क्योंकि वक्त रहते इन्होंने स्थिति को काबू में नहीं किया और दिल्ली हिंसा पर ये जो 47 मौतें हुई हैं उसके बावजूद भी, उसके बाद भी हमने दिल्ली पुलिस पर, हमने अपने कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े किए जो जायज भी हैं। एक आम नागरिक होने के नाते ये सवाल खड़े करना हमारा हक है, हमारा अधिकार है, लेकिन क्या हो जब कानून व्यवस्था को भी घेरे में लेकर उसको प्रताड़ित करने की कोशिश की जाए। ऐसी स्थितियां हमने 2018 से लेकर 2020 के आते आते देखे, बहुत सी ऐसी तस्वीरें देखी हैं। दिल्ली हिंसा में जो एक नया वीडियो निकलकर सामने आया है ना, वो भी ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या ये जो प्रदर्शन हुआ वो लोकतांत्रिक था? ऐसा करने का किसी को कैसे हक दिया गया है? क्या ये संविधान बचाने के लिए सड़कों पर लिंचिंग की जा रही है? जी हां, एक ताजा वीडियो निकलकर सामने आया है जिसमें उन्मादी भीड़ वहशी दरिंदों की तरह, पागलों की तरह पुलिस वालों पर लाठी डंडे पत्थर रॉड और तलवारों से हमला कर रही है। आज हम स्ट्रेट टॉक में इसी विषय को लेकर बात करेंगे और सवाल ये उठाएंगे कि उन्मादी भीड़ को इंस्टिगेट करने वाला आखिर कौन होता है, कौन इन्हें प्रवोक करने वाला होता है? क्या इस हिंसा से पहले जो कुछ भी तस्वीरें निकलकर सामने आती है, जो बुरी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, हम उन पर समय रहते पहले एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? ये जो भीड़ उन्मादी हुई और उसने इस तरीके से पुलिस पर वार किया, मॉब लिंचिंग की गई है, क्या यह प्रदर्शन लोकतांत्रिक है? चलिए करते हैं इन तमाम सवालों के साथ आज के स्ट्रेट टॉक की शुरुआत। जब भीड़ बन गई भेड़िया, ये जो आज वीडियो निकलकर सामने आया है ना, उसके तहत ही आज के इस विषय को हमने कैप्शन करने की कोशिश की है। ये तमाम सवाल आज भी अपनी जगह, जो अभी तक बने हुए थे कि कैसे हेड कांस्टेबल रतन लाल को शहीद किया गया, कैसे डीसीपी अमित शर्मा को भी जान से मारने की कोशिश की गई, कैसे बाकी पुलिसकर्मियों की मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई, ये जो वीडियो आज आया है ना, इससे तमाम सवालों का जवाब खुद ब खुद मिल जाता है। इस वीडियो में क्या कुछ रहा, चलिए सबसे पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं और उसके बाद आज के हमारे सवाल कौन से हैं उन पर भी नजर डालेंगे। सबसे पहले वो वीडियो हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि कैसे इस भीड़ ने एक भेड़िए का विकराल रूप लेकर पुलिस वालों की मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की है। वो वीडियो क्या है हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये वीडियो दिल्ली हिंसा से जुड़ा हुआ पुलिस ने जो जारी किया है, ये वीडियो है। आप इस पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, गौर कीजिएगा और आप देखेंगे कि इस भीड़ में आम लोग जो प्रदर्शन पहले से कर रहे थे, इस भीड़ में महिलाएं भी शामिल हैं और भीड़ तो जैसे उन्मादी हो चली है, मतलब पूरे पागलपन पर उतारू हो चली है। पुलिस अपने आप को डिफेंड करने की यहां पर कोशिश लगातार करती हुई नजर आई लेकिन असफल रही है। आप देख सकते हैं कि पुलिस वालों का एक ग्रुप है जो इस पूरी उन्मादी भीड़ से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भीड़ ज्यादा थी और पुलिस वालों की जो संख्या थी वो कम थी।
अपने आप को बचाने के लिए ये रेलिंग के उस पार जब जाने लगे तो वहां पर रेलिंग में ही फंस गए, क्रॉस रोड नहीं कर पाए। लेकिन उसके बीचों बीच इस भीड़, ये जो उन्मादी थी, इनके पास ढेरों की तादाद में पत्थर थे, कुछ हथियार भी थे और गन्स थी, पिस्टल थी, जिनसे इन्होंने वार वहां पर किया है। ये तस्वीरें आप गौर से अगर देख रहे होंगे, इस पूरी ये जो भीड़ है, ये भीड़ बहुत से बड़े सवाल खड़े करती है कि इस तरीके का प्रदर्शन, हाथों में पत्थर लेकर आप कानून व्यवस्था को ही किस तरीके से अव्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं। पत्थर लगातार बरसाए जा रहे हैं, पुलिस अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करती है और पुलिस सड़क के उस पार जाकर अपने आप को जब बचाने की कोशिश करती है तो इसके बीचों बीच भीड़ में से ही जिन लोगों के हाथों में पिस्टल थी, गन्स थी, वो उन्हें चलाते हैं और ये गोली सीधा रतन लाल जो हेड कांस्टेबल था उसे लग जाती है। डीसीपी अमित शर्मा, उन्हें भी लहूलुहान करने की कोशिश की गई, हालांकि वो भी काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हुए। और ये जो तस्वीर है ना, ये वाकई ये सवाल खड़े करती है कि क्या ये संविधान बचाने के लिए सड़कों पर लिंचिंग करें और जिस तरीके से उकसाने वाले बयान इससे पहले दिए गए, आर पार की लड़ाई की बात कही गई, वो कितनी जिम्मेवार है इस हिंसा को देखते हुए। सड़कों पर फैसले की बात की गई है कि आप प्रदर्शन कीजिए, सीए का विरोध कीजिए, क्या वो इन सबके लिए जिम्मेवार आज नहीं है? ऐसे में सवाल ये कि भीड़ वाले इस ये जो आतंकवाद आज दिख रहा है ना सड़कों पर, इस भीड़ वाले आतंकवाद से हम लोगों को आजादी कब मिलेगी, आम लोगों को आजादी कब मिलेगी? और ये जो आज वीडियो निकलकर सामने आई है ना, ये सवाल खड़े करती है कि ये जो जानलेवा भीड़ थी, इसका सियासी रिंग मास्टर है कौन? क्योंकि जिम्मेदारी तय करना जरूरत है आज के समय की, क्योंकि तस्वीरें जो हैं वो काफी विचलित कर देने वाली हैं। हजारों की संख्या में ये लोग यहां पर हैं और ऐसा लगता है कि सुनियोजित तरीके से इस पूरे हिंसा को यहां पर इसे अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की गई है, क्योंकि उनके पास पत्थर हैं और पत्थर भी ऐसा लगता है कि जैसे एक सुनियोजित तरीके से बड़े स्ट्रैटेजिकली इसको पूरे अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। उनके हाथों में पिस्टल्स हैं, पिस्टल भी चलाते हैं। और अभी तक ये जो सवाल खड़ा हुआ था कि ये जब हिंसा प्रदर्शन हुआ तो उस वक्त रतन लाल, पहले ऐसा लगा कि शायद इंजर्ड हुए होंगे और उसके बाद वो शहीद हुए होंगे, लेकिन नहीं, ये जो वीडियो निकलकर सामने आया है, इस वीडियो से पता चला है कि जब गोली चलने की आवाज आती है, गोली चली तो इसी भीड़ ने ही रतन लाल को मारा। डीसीपी अमित शर्मा को लहूलुहान करने की कोशिश की है। अभी तक मॉब लिंचिंग, हमने तमाम खबरें सुनी और अब तो कानून की भी मॉब लिंचिंग होनी शुरू हो गई है। प्रदर्शन करना, अपना हक जताना, सरकार से सवाल पूछना और ये सब हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमें मिले हुए हैं, लेकिन ये जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, ये जो वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि भीड़ किस तरीके से उन्मादी हुई है और वेश्यपन में एक नजर आ रहा है, महिलाएं जो बुरके में हैं उनके हाथों में भी पत्थर हैं, वो भी उन लोगों को मारने की कोशिश कर रही हैं, मारने की कोशिश नहीं, मारा जा रहा है बकायदा। आखिर ये सब प्रदर्शन करने का हक उन्हें कौन देता है? शांति से प्रदर्शन किया जा सकता था अगर सीए का विरोध करें, जैसे शाइन बाग में भी चल रहा था, लेकिन इस तरीके की उन्मादी भीड़ और जो पागलपन यहां पर हमें नजर आया, उन सबको क्रिएट करने वाला आखिर कौन है? कौन है इन सबका रिंग मास्टर? और सबसे बड़ा सवाल ये कि भीड़ वाले इस आतंकवाद से हमें आजादी कब मिलेगी? अब सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं, हालांकि सवाल तो कहीं ना कहीं मैंने भी बीचों बीच खड़े कर ही दिए, लेकिन फिर भी सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। सवाल आज के विषय के साथ जो जुड़े हुए, जो इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, कि क्या पुलिस पर हमले से दिल्ली का दंगा और भड़का? क्या इसने तभी व्यापक रूप लिया? पुलिस की मॉब लिंचिंग करने की क्या कोशिश की गई? एक और जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये जो वीडियो है वो 24 फरवरी का है और 23 से जो हिंसा है वो शुरू हो गई। सवाल हमारा ये है कि इस भीड़ वाले आतंकवाद से हमें आजादी कब मिलेगी? जानलेवा भीड़ का सियासी रिंग मास्टर कौन है? जिम्मेदारी आज तय करना समय की जरूरत है, क्योंकि समय खराब हो रहा है। आम लोग इस पे पिस रहे हैं और कानून व्यवस्था भी लचर हो रही है, स्थिति को संभाले नहीं संभालते और कानून व्यवस्था पर ही अब भीड़ उन्मादी हो चली है। हक के नाम पर हिंसा से क्या लगता है आपको? ये पूरा दंगा फैला, इस पर आपकी क्या राय है? आप हमें कॉल कीजिए और आज के इस विषय पर अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा। एक नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर आप लगातार देख रहे हैं,
उस नंबर पर आप हमें कॉल करें, अपनी आवाज हम तक पहुंचाएं। बड़ा ही सेंसिटिव और संवेदनशील ये पूरा मामला और दो हफ्ते से ज्यादा का समय हो चला है, लेकिन अभी तक इसके जो जख्म हैं वो गहरे हैं। हर दिन कुछ ना कुछ नया निकलकर सामने आ रहा है और जो कुछ भी वीडियोज आती हैं, तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, वो हमें अंदर से विचलित कर देती हैं। ये जो वीडियो है, आप इस वीडियो को गूगल करके देखिएगा और तसल्ली से बैठकर देखिएगा। आपके जहन में खुद सवाल खड़े होंगे कि क्या हो रहा है आज देश के साथ, क्या हो रहा है इस देश के लोगों के साथ। विरोध के नाम पर आप इस तरीके से पागलपन दिखाएंगे, वैश्यपन दिखाएंगे कि आपको कुछ भी करने का हक आखिर कौन दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आज इस भीड़ को इंस्टिगेट करने की कोशिश की है, प्रोवोक करने की कोशिश की है, और इन्हें प्रोवोक करने वाला, इन्हें इंस्टिगेट करने वाला आखिर कौन है? क्या आज हम नेताओं को जिम्मेवार ना माने? क्या हम उन नेताओं की हेट स्पीचेस को जिम्मेवार ना माने जो कहते हैं कि विरोध के लिए सड़कों पर उतरें, और फिर उसके बाद जब भीड़ उतरती है तो ये उन्मादी भीड़ हो जाती है और कभी कभी भेड़िए का भी विकराल रूप ले लेती है। और ये जो वीडियो निकलकर सामने आई है, इस उन्मादी भीड़ ने भी भेड़िए का रूप लिया है, जिसने स्थिति को अव्यवस्थित करने की पूरी कोशिश की और इसे अंजाम तक पहुंचाया, और इसमें कुछ हद तक वो सफल भी हुए। कॉल कर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। जब भीड़ बन गई भेड़िया, आज इस विषय पर हम आपके साथ इस मन से कर रहे हैं स्ट्रेट टॉक। और ये जो वीडियो अब दिल्ली हिंसा से जुड़ा हुआ निकलकर सामने आया है, इस वीडियो ने तमाम बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि बहुत सी बातें इस वीडियो को लेकर भी हो रही हैं, लेकिन हम सच को झुठला नहीं सकते हैं। ये कोई एडिटेड वीडियो नहीं है, क्योंकि इसमें साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि भीड़ जो कितनी संख्याओं में है, और ये भीड़ के बीचों बीच एक वहशीपन नज़र आ रहा है, उनका पागलपन नज़र आ रहा है कि बस वो जान लेना चाहते हैं और जान लेने पर उतारू हो चले हैं। महिलाएं भी शामिल हैं, बुर्का पहने हुए हैं। हम किसी धर्म को लेकर सवाल यहां पर नहीं खड़े कर रहे हैं, हम उस आम भीड़ की बात कर रहे हैं जिन्हें प्रदर्शन करने का हमें पता है हक है, ये उनका अधिकार है। अगर आज वो सीए का विरोध कर रहे हैं ना, तो ठीक है, आप विरोध कीजिए, सवाल करिए, आप सरकार से सवाल करिए, आप अपना हक जो है उसे बखूबी उसे अंजाम तक पहुंचाइए। लेकिन इस तरीके से प्रदर्शन कर आप अगर किसी की जान लेते हैं, भीड़ जब भेड़िया बन जाती है और किसी की जान लेने पर उतारू हो जाती है, तो हम इसे गलत ठहराएंगे, सवाल खड़े किए जाएंगे और इस सवालों का जवाब जाना भी जरूरी हो जाता है कि इस भीड़ वाले आतंकवाद से हमें आजादी आखिर कब मिलेगी। लेकिन उससे बड़ी बात भी ये है कि सरकार, प्रशासन, इन सब की जिम्मेवारी भी बनती है, जवाबदेही भी बनती है कि अगर इन लोगों ने ही आप लोगों को चुना है, तो आज ऐसे माहौल में, ऐसे वक्त में आप इन लोगों की सुनिए, इन लोगों से बात करके इन्हें आश्वासन दीजिए, इन्हें अपने विश्वास में लीजिए और स्थिति को किसी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, किसी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की बनती है। और उससे बड़ी बात यह है कि आज राजनीति किस तरीके से हो रही है वो आज पूरा देश जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। और जब दिल्ली हिंसा जैसी घटनाएं सामने होंगी और उसे 1984 के हिंसा के साथ कंपेयर किया जाने लगेगा, तो हम सवाल यही उठाएंगे कि इस जानलेवा भीड़ का आखिर सियासी रिंग मास्टर कौन है। इस सियासी रिंग मास्टर ये जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम क्या संकेत दे रहे हैं? संकेत हम ऐसे नेताओं की तरफ कर रहे हैं, इशारा हम ऐसे नेताओं की तरफ कर रहे हैं जिन्होंने लगातार इस दिल्ली हिंसा से पहले बहुत सी हेट स्पीचेस दी और उन पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है। नेता चाहे वो बीजेपी का हो, नेता चाहे वो कांग्रेस का हो, नेता चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ क्यों ना हो, लेकिन किसी को भी यह हक नहीं बनता है कि आप आम लोगों के बीच में जाकर कुछ ऐसे स्पीचेस दें जिससे कोई प्रदर्शन जो है वो बड़ा हिंसा का रूप ले ले। दिल्ली हिंसा उन्हीं में से एक है, दिल्ली हिंसा इसकी बानगी है। ये अब वो जो वीडियो है, एक बार फिर से वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगी जो अभी रिलीज किया गया है, 24 फरवरी का जो वीडियो है, ये देखिए, ये वो वीडियो, इसे जितनी बार भी देखें, हम बार बार यही सोचने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को क्या हो गया है। क्या हम इसे ये कहें कि हेट स्पीचेस जो दी गई उसके बाद धीरे धीरे हिंसा शुरू हुई और उसके बाद ये हिंसा ने
उसी वक्त व्यापक रूप लिया और इन्हें इंस्टिगेट किया गया, क्या इन्हें प्रवोक किया गया किसी समय में एट द वन पॉइंट ऑफ टाइम के ये इतने ज्यादा गुस्से में आकर किस तरीके से पत्थर फेंक रहे हैं और इतनी उन्मादी भीड़ जो कुछ नहीं देख रही है और आम लोगों के बीच में या आम लोग जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं और लगातार पुलिस वालों पर पत्थर फेंक रही हैं, गन्स चलाई जाती हैं, गोलियां बरसाई जाती हैं और उसमें हमारे हेड कांस्टेबल की मौत भी हो जाती है। क्या हो गया है लोगों को? लेकिन उससे पहले फिर वही बात की जिम्मेदारी लेने की आज बात जब आती है तो ये जिम्मेदारी लेने वाला कौन है? सिर्फ शांति अपील की जा रही है लेकिन उस शांति अपील से क्या होगा? ये जो वीडियो निकलकर सामने आया है, क्या ये लंचिंग नहीं है? क्या आपको नहीं लगता? वो भी पुलिस, वो भी पूरी पुलिस फोर्स की, जितने दंगाई जिम्मेदार उतने ही दंगाइयों को भड़काने वाले जिम्मेदार हैं। आप इस पर क्या राय रखते हैं? कॉल कर अपनी आवाज हम तक पहुंचाइएगा और हमें बताइएगा कि आप इस पूरे विषय को लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो अभी रिलीज किया गया है, दिस वीडियो इज रिवीलिंग द ट्रू फेस ऑफ मॉब, मॉब लिंचिंग वंस अगेन। हम इस वीडियो को देखकर ये कह सकते हैं कि रतनलाल, हेड कांस्टेबल रतनलाल की मौत जो है वो हादसा नहीं थी। दिल्ली में 24 फरवरी का पुलिस की लिंचिंग का ये जो वीडियो सामने आया है, चांदबाग का है और चांदबाग में इसी हमले में हेड कांस्टेबल रतनलाल शहीद हुए थे और डीसीपी अमित शर्मा और डीसीपी अनुज पत्थरों से घायल हुए थे। चांदबाग का जो वीडियो सामने आया है उसमें महिलाएं बुरके में और पुलिस वालों पर खूब पत्थरबाजी करती हुई नजर आ रही हैं और पुलिस वाले खुद को बचाते फिर रहे हैं। भीड़ ने पुलिस वालों को घेरा है, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी हो रही है, लाठी डंडों से पुलिस पर हमला किया गया, प्रदर्शन के नाम पर भीड़ तंत्र का आतंक देखने को मिला और डीसीपी अमित शर्मा की पत्नी पूजा शर्मा ने पूरी घटना के बारे में जानकारी दी, बताया। उन्होंने बताया कि पहले महिलाओं ने घेरा, फिर पीछे से जितने भी पुरुष थे उन लोगों ने घेरा, वो एकदम से हिंसा पर उतर आए, हॉकी स्टिक्स निकाल लाए, आयरन रॉड निकाल लाए, उन्होंने पथराव शुरू किया पुलिस पर और पूरी फोर्स पर वहां पर, जो कि पथराव से कोई इधर उधर हो गई और अमित जो बीच में फंस गए उनके, और उन्होंने कुछ नहीं सोचा, बस वो ये कहती रही थी कि वो उनके पति को, उनके हस्बैंड को मारते चले गए। और घायल अनुज कुमार कहते हैं, ये जो वीडियो रिलीज हुआ है इस वीडियो पर वो कहते हैं कि तकरीबन 225 पुलिसकर्मी थे और जो दंगाई थे वो हजारों की संख्या में थे, 20-25 हजार के आसपास थे और वीडियो में साफ तौर पर आप देख भी सकते हैं कि एक भीड़ है जो पत्थर बरसा रही है, जो बीच में है, लेकिन उनके लेफ्ट और राइट और भीड़ आती हुई नजर आ रही है और उनमें भी वही पागलपन, वही वहशीपन जो है वो नजर आ रहा है और उनके हाथों में भी हथियार है। उनके पास तरह तरह के एग्रीकल्चरल टूल्स थे, सरिया, पेंच, फावड़ा, डंडे, हथियार, सब कुछ था और फायर आर्म्स भी थे। सीए के विरोध में लोगों ने 24 फरवरी को चांदबाग में सड़क जाम कर दी थी और इसके बाद पुलिस उन्हें समझाने और रास्ता खुलवाने के लिए ले गई और इस बीच अचानक पथराव हो गया और लाठी डंडों हथियारों से लैस भीड़ ने पुलिस को निशाना बनाया और इस प्रोटेस्ट में महिलाएं भी शामिल थी जो वीडियो में लाठियां चलाती हुई नजर आ रही है, जिन्हें आप भी क्लियरली देख सकते हैं। बेकाबू भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठी चार्ज किया, लेकिन हजारों की भीड़ को काबू करने में वो नाकाम रही। वीडियो में साफ तौर पर दिखता है कि पुलिस वाले सड़क के बीच में लगी ग्रिल्स में फंस गए। वो वीडियो एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं क्योंकि उस वीडियो की बात जो है वो लगातार हम कर रहे हैं और पुलिस वाले सड़क के बीच में लगी ग्रिल्स के बीच कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आते हैं और प्रदर्शनकारी उन पर लगातार स्टोन पेल्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस वालों ने ग्रिल से कूद कर किसी तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश की लेकिन उसमें भी वो नाकाम ही रही है। इससे जुड़ा सिर्फ ये एक ऐसा वीडियो नहीं है, तमाम और भी वीडियोस निकलकर सामने आए हैं। इस वीडियो की झलकियां हम आपको बार बार दिखाते रहेंगे, वो तमाम सवाल भी जो आज हम खड़े कर रहे हैं वो सवाल भी लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर होंगे और उम्मीद करते हैं कि आज के इस विषय पर अपनी कॉल कर अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएंगे। आप क्या सोचते हैं इस पूरे वीडियो को लेकर? ये जो भीड़ आज उन्मादी होकर भेड़िए का विकराल रूप ले रही है, ये आखिर क्यों हो रहा है? क्या इन्हें को इंस्टिगेट करने वाला है? किसकी जिम्मेदारी आज बनती है? क्या राष्ट्रनेताओं की आज जिम्मेदारी नहीं बनती है कि लोगों को अपने विश्वास में लें ताकि ऐसी हिंसा हमें फिर कभी देखने को ना मिले? फिलहाल वक्त तो चला, एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और स्वागत करते हैं आपके व्यूज, आपके ओपिनियन का भी। और
दिल्ली हिंसा की बात आज लगातार हो रही है। वीडियो जो रिलीज किया गया है, क्योंकि ये आग किसने लगाई, क्यों लगाई, उनके इरादे क्या हैं, इससे लेकर जितनी जुबानें उतने ही विचार, और आज भी वही हो रहा है। फिलहाल एक कॉलर जुड़े हुए हमारे साथ, चलिए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी, बरेंद्र बोल रहा हूँ। नमस्कार सर, नमस्कार, वेलकम टू जस हिंदी। सर उम्मीद करती हूँ पूरा शुरुआत से ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, वीडियो रिलीज हुआ है एक, उस वीडियो को लेकर आप सर क्या सोचते हैं? हाँ जी, आपके बहुत अहम सवाल हैं। अब देखिए, कोई भी मुजाहरा हो, हाँ जी, उसके पीछे कोई ना कोई लीडर होता है जो उनको डायरेक्ट करता है जी। कभी कभी ऐसा भी होता है बड़े यूनिक केसेस में कि आम पब्लिक का जोश जो है अपने आप आ जाता है, जैसे निर्भया मर्डर कांड का हुआ या एक्शन अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट चली थी। हाँ जी, तो उसके उस दौरान में कुछ लीडर फिर उभर सकते हैं उसके दौरान से, और वो फायदा उठाते हैं। अब दिल्ली पुलिस का जो हाल है जी, या पुलिस का इन जनरल, ये एक बड़ा बदनाम पेशा हो गया है। पुलिस को जबकि नागरिक का दोस्त होना चाहिए, पुलिस जो है उस अपने कर्तव्य को ना भूलते हुए वो नागरिक को कंट्रोल करने में या एक्सटॉर्शन करने में लगी रहती है, और जिससे के लोगों के अंदर पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं रहता जी। अब ये जो बदनाम पेशा है, इसका गुस्सा कभी भी आ सकता है आपको। इसके जिम्मेवार लोग नहीं है, इसके जिम्मेवार वो शख्सियतें हैं जी, जो पुलिस का दुरुपयोग करती हैं। हाँ जी, अच्छा, जिम्मेवार वो लोग हैं। अब देखिए, जब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे हो रहे थे, तब पुलिस ने कितना जबरदस्त कहर मचाया था लोगों पे, और वो शामिल भी थी जी। अब ये जो जो आप वीडियो दिखा रहे हैं, मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है कि ये कौन से हिस्से में हुआ और ये भीड़ क्यों इकट्ठी हुई थी, ये मुझे जानकारी नहीं है। चांदबाग में हुआ था सर, चांदबाग में विच इज अ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, वहां पे तशद्दुद भी बहुत हुआ था। अब ये भीड़ क्यों इकट्ठी हुई, क्या कर रहे थे, इसके भी जानकारी पूरी नहीं है, तो मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अब देखिए कि अगर पुलिस को या इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को, इंफॉर्मेशन ब्यूरो को इतनी पता होना चाहिए कि भीड़ कितनी है और क्या हो रहा है, और उसको कंट्रोल के लिए कितनी कंटिंजेंट फोर्स पुलिस की हमें चाहिए। तो ये फेलियर सारी तरफ से हुआ है। अगर आज लोगों ने पुलिस के ऊपर हावी होके और धावा बोल दिया, तो मैं नहीं समझता ये एक बड़ी खुशगवार चीज है, क्योंकि इसमें जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनको बढ़ावा मिल जाता है कि साहब हम पुलिस को अटैक कर सकते हैं। भाई पुलिस के ऊपर अटैक क्यों करोगे, पुलिस तो हमारी प्रोटेक्शन के लिए है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए है। अगर उसी फोर्स के ऊपर आप अटैक करोगे तो कैसे काम चलेगा? इसका मतलब यह है कि आप सड़क पे चलते हुए किसी के ऊपर हमला कर दें, ये तो बात ठीक नहीं है ना। तो मैं जिम्मेवार इसमें सिर्फ ये कहूंगा कि पुलिस का दुरुपयोग करने वाले जिम्मेवार हैं, और उनको समझ आनी चाहिए कि हम इस्तेमाल किसी भी ताकत का गलत इस्तेमाल ना करें। लोगों के खिलाफ लोग भड़क उठते हैं, तमाशा होता है, ये अच्छी चीज नहीं है। अब किसी एक का नाम लेना वो ठीक नहीं है, लेकिन आपके हर कदम जो आपके निशान आप पीछे छोड़ के जा रहे हैं वो अच्छे नहीं है, तो इससे आप गुरेज करें और बाज आ जाए। सर एक मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा कि आज हम जिम्मेदारी लेने की देखिए बात कर रहे हैं कि सरकार को, प्रशासन को, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर शुड बी देयर प्रायोरिटी, ये होना चाहिए था, लेकिन हमने दिल्ली हिंसा में कुछ भी नहीं देखा ना, लॉ और ना ऑर्डर।
जिसकी वजह से दिल्ली पूरे 3 दिनों तक जल रही थी। लेकिन आज जब हम, क्योंकि ये जो उन्मादी भीड़ थी जो इस वीडियो में दिख रहा है, ऐसी मॉब लिंचिंग को हम एक आतंकवाद का ही रूप कह रहे हैं, क्या लगता है सर आपको, ये जो मॉब लिंचिंग हुई है, मॉब लिंचिंग इन द सेंस मतलब पुलिस की जो लिंचिंग हुई है, ये जो आतंकवाद जिसे हम कह सकते हैं भीड़ वाला आतंकवाद है, इससे हमें कब फ्रीडम मिलेगी, कैसे मिलेगी, व्हाट वुड बी द सॉल्यूशन, क्या हो सकता है? ये हर इंसान को अपने ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन इम्पोज करना पड़ेगा। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब जो वो भाषा इस्तेमाल करता है, वो जो क्रोध आता है उसके ऊपर, और एक सिविलिटी के हर चीज का हल जो है वो सिविलाइज तरीके से निकाला जाए, ना के अहिंसा से। सर, ये जो आम लोग है, जिस तरीके से आज, क्योंकि अब इनके प्रदर्शन करने का जो नेचर है वो बदल चुका है, ये हिंसा ज्यादा करते हैं, ये ऐसा बदलाव क्यों हो रहा है, मतलब ये नेचर उन लोगों का क्यों बदल रहा है? क्या आज वो ये सोचते हैं कि इस तरीके से पत्थर बरसाएंगे, हिंसा करेंगे, तो सरकार अपना जो फैसला है वो वापस ले लेगी? क्या वो ये सोचते होंगे? क्योंकि हम भी आम इंसान हैं, और एज अ ले मैन, मतलब ऐसा एक सोशल एक होने के नाते, एक सोशल नागरिक होने के नाते, सामाजिक नागरिक होने के नाते, क्या हम ये सोचें कि हिंसा आज करेंगे आज के समय में तो फिर हमारे जो सरकार के फैसले हैं वो बदलेंगे, और ये भीड़ भी शायद वही कर रही है, इसी वजह से कर रही है? दो चीजें इसमें बहुत अहम है जी। ये पत्थरबाजी कहां से शुरू हुई? कश्मीर से। ये एक तरीका लोगों को नजर आ गया जी। तीसरी बात के ये जो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, इसमें आप देखेंगे ज्यादातर अनएम्प्लॉयड और अनपढ़ यूथ है। तो हमारे पास, हमने जॉब क्रिएट नहीं किया ताकि इनको वहां पे लगाया जाए, ये उसमें नौकरियों पे मसरूफ हो जाएं। जब ये लोग कमाना शुरू करेंगे तो ये भीड़बाजी में, उग्रवत्ता में कम आएंगे, क्योंकि इनके पास उस वक्त खोने के लिए कुछ होगा। अगर आपके पास खोने के लिए कुछ है नहीं तो आप उतावले हो जाते हैं, कुछ भी करने के तैयार हो जाते हैं कि जब मैं उपद्रव करूंगा तो कुछ ना कुछ तो घर लेके आऊंगा, लूट माल का मार। अच्छा, ये लोग क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं, काम नहीं करते हैं, ये हमारे नामाकूल पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उनके पीछे लग जाते हैं, अपना अकल का इस्तेमाल नहीं करते और भीड़ में जुट जाते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर हमारी रोजगारी हर एक को मिल जाए, हर एक को अपने अपने काम में फुल वक्त काम से फर वक्त ही ना मिले जी। तो ये मजारे करने में वो कहाँ आएंगे? क्यों अपना गांव छोड़ के, अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाके दंगे करेंगे? तो ये इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। किसी एक की जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे कि कोई एक जिम्मेदारी अपनी ले, क्योंकि आज जितनी जुबानें हैं, जिन लोगों की खुल रही हैं, वो सबके सब इसके जिम्मेवार हैं, फिर चाहे वो एक राष्ट्र नेता हो, आम नागरिक ही क्यों ना हो। थैंक यू सो मच सर। जी जी जी। हाँ जी, पहले देखिए, हम लोगों में एक बहुत बुरी आदत है कि अपने आप को छोड़ के इल्जाम लोगों पे, हम हमेशा दूसरे का बताते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारा खुद का किरदार क्या है, किरदार का है। ये इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल सही कहा सर आपने। एनीवे सर, थैंक यू सो मच सर अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए, शेयर करने के लिए। आलूवालिया जी थे जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें रखी हैं, और ये ज़रूरी भी है कि हम, ये जो दिल्ली हिंसा हुई है ना, इसमें किसी एक की जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं बनती है। जितनी भी आज कड़ियाँ जुड़ रही हैं और जिन जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, आम नागरिक से लेकर विरोध करने वाले, दंगा करने वाले, सरकार और कानून व्यवस्था, सबके सब जिम्मेवार हैं, और कहीं ना कहीं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, लेकिन क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बकायदा निभाया नहीं गया है, जिस वजह से 3 दिनों तक दिल्ली जो है वो जलती रही। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं स्ट्रेट टॉक में। जब भीड़ बन गई भेड़िया,
ये विषय आज लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं और इस पर बात लगातार जारी है। एक वीडियो जो रिलीज किया गया 24 फरवरी का, वो वीडियो और चांदबाग का है। चांदबाग वो जगह है जहाँ पर हेड कांस्टेबल रतनलाल शहीद हुए थे और उसी का ये वीडियो आज निकलकर सामने आया है। उन्मादी भीड़ किस तरीके से पुलिस पर वार कर रही है और 20-25 की संख्या में जहां पुलिस है तो वहीं पर हजारों की संख्या में 20 से 25 हजार लोगों की संख्या पर बताई जा रही है। और भीड़ देखकर अंदाजा लगाया भी जा सकता है कि वहां पर जितने जो भीड़ थी वो काफी संख्या में थी, जिन्होंने पुलिस को घेरने की कोशिश की, उनकी लिंचिंग करने की कोशिश की है। ये जो वीडियो अब निकलकर सामने आया है ना, ये तस्वीरें जो हमें अंदर से विचलित कर देती हैं और अंदर ही अंतर मन में हमारे तमाम बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आम लोगों को क्या हो गया है। हिंसा प्रदर्शन करने के नाम पर ये जो हिंसा आज की जा रही है, इस तरीके के प्रदर्शन को क्या हम लोकतांत्रिक कहेंगे? ये कितना सही है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमें दिए गए हैं प्रदर्शन करने के लिए, अपनी आवाज़ उठाने के लिए, लेकिन इस तरीके से आवाज़ उठाने को तो कभी भी नहीं कहा गया है हमारे संविधान ने। कुल मिलाकर देश की राजधानी के अमन चैन में आग लगाकर हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाले लोग अभी भी अपनी राजनीति कर रहे हैं। आगजनी, लूट, हिंसा की इस कहानी में अगर किसी की भूमिका सबसे ज्यादा संदिग्ध अभी तक रही थी तो वो दिल्ली पुलिस वालों की रही, क्योंकि मोहल्लों में पेट्रोल पंपों पर दुकानों में आग लगाई गई तो दिल्ली पुलिस द्वारा उसी वक्त कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। अभी तक यही तस्वीरें हमारे सामने आ रही थी और इससे पहले जो वीडियो सामने आई थी, चाहे वो दिल्ली हिंसा की ना हो लेकिन वो जेएनयू की हो, जामिया की हो, अभी तक जितनी भी हिंसा हुई है 2019 से लेकर 2020 के शुरुआत तक, वो तस्वीरें जो है हमें गवाहियां देती रही हैं कि पुलिस ने अपनी कार्रवाई को सही से अंजाम तक नहीं पहुंचाया। और उसके बाद दिल्ली हिंसा से जुड़ा हुआ ये वीडियो निकलकर सामने आता है जहां पर पुलिस जो इतनी कम संख्या में है और चांदबाग का इलाका जैसा ये प्रदर्शन हमें नजर आ रहा है, प्रदर्शन नहीं कहेंगे, ये जो हिंसा हमें नजर आ रही है ये पूरी सुनियोजित लग रही है। ऐसे में पुलिस को इनपुट्स क्यों नहीं मिले, क्यों उन्हें जानकारी नहीं हुई, इतनी संख्या में पुलिस वहां पर क्यों थी, क्यों उनकी संख्या को बढ़ाया नहीं गया, क्यों जो उनके रूल्स रहते हैं कि किस तरीके से इस पूरी उन्मादी भीड़ को कंट्रोल में करना है, उस तरीके से उस पूरी उन्मादी भीड़ को कंट्रोल में क्यों नहीं लाया गया, क्यों इस तरीके से पुलिस को इनका शिकार होना पड़ा, क्यों दंगाइयों के आगे हमें पुलिस बेबस नजर आई, ये तमाम बड़े सवाल जिस पर जवाब आज हमें चाहिए। कुल मिलाकर देखिए CAA, जिसको लेकर दिल्ली हिंसा भी हुई है, CNRC का विरोध करते करते देश की प्रतिष्ठा को आंच पहुंचाने की कोशिश की गई है, लगातार की जा रही है। सवाल आज ये कि इस हिंसा के पीछे आखिर कौन लोग शामिल हैं जो पर्दे के पीछे से इसे संचालित कर रहे हैं? क्या इन्हें कोई ऑपरेट करने वाला है? क्या ऐसी ही उन्मादी भीड़ को कोई इंस्टिगेट करने वाला है? इंस्टिगेट करने की जब बात आ जाती है तो उन नेताओं के भी नाम सामने आए, जैसे कपिल मिश्रा की बात की जाए, जिन्होंने इस दिल्ली हिंसा से पहले ठीक लोगों के बीच जाकर किस तरीके से आह्वान किया, चेतावनी दी गई, तो उनके ऊपर भी एक्शन लेने की बात कही गई। और जब चुनाव हुए तो चुनावों से पहले भी गोली मारो देश के गद्दारों को, तमाम अनुराग ठाकुर की बात हो या फिर प्रवेश वर्मा की बात हो, इनके ऊपर भी FIR दर्ज करने की बात कही गई और सुप्रीम कोर्ट अभी आने वाले दिनों में उन पर भी जो है कार्रवाई करेगा और इसे भी संज्ञान में लेकर इस पर बड़ा फैसला लेगा। लेकिन क्योंकि अभी फैसला इसीलिए नहीं लिया गया क्योंकि दिल्ली में जो हिंसा हुई उससे ऑलरेडी माहौल बहुत ख़राब था, तो कोर्ट भी नहीं चाहती थी, अदालत भी नहीं चाहती थी कि इस बुरे माहौल में अब कोई बड़ा फैसला लेकर वो लोगों में और गुस्सा पैदा करते। क्योंकि देखिए राजनीति जब बीच में आ जाती है तो राजनीति से जुड़े हुए तमाम दूसरे एंगल्स भी निकल कर सामने आ जाते हैं और उन्हीं एंगल्स में से ये एक भीड़ तंत्र भी ऐसा है जो कभी कभी पागलपन पर उतारू होकर इस तरीके से अपना जो काम करता है। और ये जो अभी चांदबाग का 24 फरवरी का वीडियो रिलीज हुआ है ये उन्हीं में से एक है। तो सवाल ये जो हमने पूछा कि हिंसा के पीछे कौन लोग शामिल हैं जो पर्दे के पीछे से इसे संचालित कर रहा है, आज इसकी इसे संचालन करने वाले की धरपकड़ जरूरी है और इसकी तय तक जाना जरूरी है। सवाल तीसरा यह है कि केंद्र सरकार समय रहते खुफिया जानकारी हासिल करने में बार बार क्यों नाकाम हो रही है? ये जो वीडियो रिलीज हुआ है इसमें भी पुलिस के पास इनपुट्स अगर थे तो फिर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उसी वक्त आपने भी प्रॉपर प्लानिंग से इस पूरी
उन्मादी भीड़ को कंट्रोल क्यों नहीं किया है। तो देश के देखिए किसी नागरिक या राजनीतिक दलों को केंद्र सरकार या राज्य सरकार से असहमति जताने का अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन हाल ही के दिनों में विरोध का नेचर बदलता जा रहा है, जैसा मैंने पहले बोला। और इसमें दो तरह के विरोध को आप शामिल कर सकते हैं। एक तो वो ग्रुप है जो खुलकर विरोध करते हैं, जिसकी मंशा सिर्फ सरकार से अपना नैतिक विरोध जताने की होती है, और शाहीनबाग में जो प्रदर्शन हुआ वो ग्रुप था। और इसमें ऐसे लोग या समूह अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन या आंदोलन चलाते हैं। दूसरे तरह का विरोध ज्यादा खतरनाक होता है, उसमें न सिर्फ विरोध प्रदर्शन को परोक्ष तरीके से लंबा खींचने की कोशिश की जाती है, बल्कि वो लोग छद्म धर्म निरपेक्षता की चर्चा करते हैं। ठीक वैसे ही छद्म विरोध भी देखने को मिला है। ये छद्म विरोध ज्यादा खतरनाक है, जिसने बचने की कोशिश आज की जाना चाहिए। तो साफ है कि सीएनआरसी को लेकर देश की विपक्षी पार्टियों ने खुलकर विरोध जताया। सत्ता पक्ष विपक्षी पार्टी दोनों तरफ से हेट स्पीचेस देने में महारत हासिल कर चुकी है, लेकिन सिर्फ हिंसा पर औपचारिकता पूरी करने से काम नहीं चलेगा। एकजुट होकर हर संभव प्रयास सभी को करने होंगे। राजनीतिक नफा नुकसान की बात करना बंद करके दिल्ली और देश में स्थायी शांति लाने के आज गंभीर प्रयास करने ही होंगे। फिलहाल इसी नोट के साथ दीजिएगा इजाजत। आज के स्ट्रेट टॉक में आज के लिए इतना ही।